Hi guys, very good morning to all. क्लास की शुरुआत और देखते हैं कि आज सुबह तक की कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट न्यूज है जो अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर सेशन आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ओके तो एक बार क्लास के लिंक को जरा सबके साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा सो so दैट बाकी स्टूडेंट जो है वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए इसके बाद में अभी पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सारी की सारी न्यूज को फिर आपको बताएंगे कि आज कौन कौन से क्लासेस हैं कौन कौन से क्लासेस नहीं भी हैं ठीक है प्रिया शिपाली नीतीश गुलगौली बाबू दीपक दीयू नाहिदा मोहित अमर नितेश तनु वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज हम लोग शुरुआत करेंगे क्योंकि कोरोना काल शुरू हो चुका है तो ऑब्वियस बात है पहली न्यूज जो है वो कोविड के ऊपर ही होगी क्योंकि इंडिया के अंदर नेजल वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है लास्ट में जो न्यूज आपकी जाएगी वो स्पोर्ट्स की होगी और उसी के साथ में साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो भी अनाउंस कर दिए गए हैं उसके ऊपर आपका न्यूज का पार्ट रहेगा फाइन चलिए इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे आपका कंपीट प्रोग्राम जो है वो अन अकेडमी पे रहता है जहां पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कम्पीट कर सकते हो ओके रोना अनुपम वेरी गुड मॉर्निंग अच्छा, मैंने लगता है है, आज लिंक जो हाँ, वही मैं कहूँ वही मैं सोचूं कि जिस दिन मतलब मैम नहीं बोलेंगी कि भैया क्लास शुरू हो गया है है ना तब तक मुन्ना की नींद ना खुलेगी चलो मैंने भी एक बार इसे शेयर कर दिया है एंड आप लोग भी एक बार इसे शेयर कर दीजिए आई नो इट्स अ वीकेंड तो नींद ज्यादा आ रही होगी हाँ अच्छा सेकेंड पॉइंट इस क्लास के बाद में आज आपका कोई दूसरा क्लास जो है वो नहीं लगा है सीधे आपका शाम को स्पेशल क्लास जो है चार बजे वो क्लास आपका अन अकेदमी ऐप पे रहेगा फाइन उसके बीच के ड्यूरेशन में आपका कोई भी क्लास नहीं है मतलब बारह बजे आपका क्लास आज का नहीं होगा ठीक है ये मैंने आपको बता दिया है तो अभी सेवन ए एम उसके बाद में फोर पी एम ये आपके आज के क्लास का शेड्यूल है राइट यहाँ पे शाम को क्या पढ़ाएंगे अभी देखा जाएगा आई थिंक यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वाला जो एक टॉपिक था उसको पढ़ा के खत्म करेंगे ठीक है ना हाँ मैरी क्रिसमस चल रहा है होए अभी से मैरी क्रिसमस ममाज बॉय सम्राट छोटा रावर जून शिखा खान साइंटिस्ट देवरेश साइबर साक्या वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डे इवन इफ द लाइफ thousand यू one रीजन टू गिव keep going. बात समझ आई आपको जीवन में आपको कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मेरे से हो नहीं पाएगा ऐसा है वैसा है तो जो दुनिया होती है ना जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं, वो हमें हजार ऐसे मौके देती हैं कि जब हम सोचें कि अब हमें ये कुट कर देना चाहिए बट भगवान जो होता है ना वो सबसे बड़ा प्लानर होता है आप समझ रहे हैं गॉड जो है वो सबसे बड़ा प्लानर होता है अगर कोई आपको हजार तरीके दे रहा है चीजों को छोड़ने के लिए तो वो आपको एक हजार एक तरीके देगा चीजों को कंटिन्यू करने के लिए लेकिन शिद्दत से तो लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका डेडिकेशन डेडिकेशन नहीं है तो आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं है डेडिकेशन देख रहा हो एक डेडिकेशन इसका भी है ये रोज चलता है रोज चलता है रोज चलता है कभी देखा है तुमने की रुकाओ अब चलते चलते इसको चाइना नहीं जाने देना है क्योंकि चाइना में कोविड है है ना तो उसको यहीं पर रोकेंगे हम लोग सॉल so गुड टू गो राधे राधे प्रशांत प्रियंका रौनक अक्षय सीपीयू प्रियंका सारिका अजय सौम्या प्रशांत चलिए आइए जरा शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज के साथ में क्लास में कोई हु हड़कम नहीं मचाएगा इसका रीजन ये है कि आज अरे को जाना है लखनऊ रीजन बींग मम्मी इज नॉट वेल तो मुझे अभी क्लास के जस्ट बाद में निकलना है तो प्लीज कोई भी हड़कंप नहीं मचाएगा क्लास में आराम से पढ़ो अपनी चीजों को नोट डाउन करो उसके बाद में मैं यहाँ से निकलूंगी घर के लिए तो शाम को चार बजे आपका सीधे क्लास लेंगे ठीक है दैट इज द रीजन कि बीस ड्यूरेशन में आपका कोई क्लास नहीं है ओके हरे कृष्णा ओके चलिए पहली जो न्यूज है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो नेजल वैक्सीन है इस नेजल वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है आइए जरा इसके बारे में जानते हैं क्या क्या की पॉइंट है पहला पॉइंट इंटरनेजल कोविड वैक्सीन जो है ये अप्रूव की गई है और ये अब आपको कोविन ऐप जो जो है या जो है या फिर ये पोर्टल इसके ऊपर देखने को भी मिलेगी सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सी कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है तो कंपनी हो जाएगी भारत बायोटेक कौन सी कंपनी है भारत बायोटेक आइए जरा जानते हैं तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में केंद्र का अहम फैसला भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को दी गई मंजूरी चलिए जान लेते हैं यहां पर अब देखो यहां पर आपको काफी सारी चीजें नजर आ रही होंगी किससे फायदा क्या है ये क्या है वो क्या फलाना एंड का पहली बात समझिएगा हुआ क्या है नेजल वैक्सीन है क्या है नेजल वैक्सीन है किस चीज के लिए है कोविड के लिए है किसने बनाई है भारत बायोटेक ने बनाई है भारत बायोटेक ने, बायो ने इसको बनाया है

इसको अप्रूवल दे दिया है कितने ट्रायल हो चुके हैं इसके चार ट्रायल इसके किए गए उसके बाद अप्रूवल दिया गया अब ये जो नेजल वैक्सीन है ये किसको दिया जा सकता है जिनकी एज अठारह साल है या फिर उससे ज्यादा है किसी को भी ये जो नेजल वैक्सीन है ये प्रोवाइड दी जा सकती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे आइए अगला पॉइंट है कि ये जो भारत बायोटेक ने बनाई है वैक्सीन इसका नाम क्या है इसका नाम होगा इनको क्या नाम है इनको वैक अब ये इंडिया के अंदर ये जो वैक्सीन है ये सबको प्रोवाइड की जाएगी अच्छा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो नेजल वैक्सीन है जब ये किसी को भी प्रोवाइड की जाएगी तो ये एक तरीके से क्या होगा प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी क्या कि भैया हमें कोविड नहीं होगा तो यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो करीबन 96 परसेंट है इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है 96 परसेंट है और ये हमारे नोज के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और ब्लड स्ट्रीम में जाके ये क्या करेगी एंटीबॉडीज को पूरी बॉडी में फैलाने का काम करेगी क्या करेगी एंटीबॉडीज को पूरी बॉडी में फैलाने का काम करेगी अब देखिए ये जो नेजल वैक्सीन है इसके कुछ फायदे भी हैं है, है ना नोधी से जाएगी मुंह में घुल जाएगी अह टॉफी है क्या कि नोधी से जाएगी कुछ भी मतलब चलो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये निडल फ्री है ये क्या है निडल फ्री वैक्सीन है जिसको बनाया गया है इंजेक्शन से वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है यानी कि ये निडल फ्री है दूसरा क्या है हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी वेरी गुड सांस से संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा वेरी गुड क्योंकि नोज के थ्रू ये जाएगी नेक्स्ट सुनिएगा वैक्सीन वेस्टेज की संभावनाएं क्या होंगी घटती जाएंगी तो इतने सारे इसके फायदे भी बताए गए कि जो नेजल वैक्सीन है ये काफी अच्छी है इसके अलावा कोविड के चलते कुछ गाइडलाइंस भी आई हैं बट ये गाइडलाइंस अभी जारी नहीं हुई हैं तो हम लोग अभी यहीं तक स्टिक रहते हैं तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था पहला पॉइंट है नेजल वैक्सीन कोविड के लिए भारत बायोटेक ने बनाया है नोस के थ्रू दी जाएगी हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है टोटल चार ट्रायल इसके हुए तीन पहले एक बाद में 18 साल या उससे ज्यादा की एज होनी चाहिए इनको वैक वैक्सीन का नाम है 96 परसेंट इफेक्टिव है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंटीबॉडीज को पूरी बॉडी में फैलाएगी अब अभी हुआ क्या अभी एक नया वेरिएंट चल रहा है मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर एक नया वेरिएंट चल रहा है जिसका नाम है बी एफ सेवन जिसका नाम क्या है बी एफ सेवन और मार्केट में कौन कौन सी वैक्सीन चल रही हैं जरा वो भी जान लेते हैं मार्केट में कौन कौन सी वैक्सीन चल रही हैं तो वैक्सीन में आप सेरम इंस्टीट्यूट की बात करोगे तो क्या है कोविड शील्ड है राइट भारत बायोटेक की भारत बायोटेक की जो कि हैदराबाद के अंदर है इनकी बनाई हुई कौन सी वैक्सीन हो जाएगी कोवैक्सीन कौन सी है कोवैक्सीन तीसरी हो जाएगी रशिया की बनाई गई स्प्यूटनिक फाइव कौन सी है स्प्यूटनिक फाइव और एक आखिरी और आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड क्या है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने भी एक यहाँ पे वैक्सीन बनाई है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है Vax. जिसका नाम नाम है है क्या ये मैंने आपको जितनी वैक्सीन यहाँ पर लिखी हैं हर एक वैक्सीन जो है वो कोविन पोर्टल पे उपलब्ध है आप इसमें से किसी भी वैक्सीन को लगवा सकते हैं हाँ। ठीक है तो ये मार्केट के अंदर वैक्सीन जो है वो आपको मिलेंगी और ये किसके ऊपर अवेलेबल है को वैक्सीन सॉरी कोविन के ऊपर इस पोर्टल के ऊपर आपको ये सारी की सारी मिलेंगी तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इन शॉर्ट अब कहानी यहाँ पे ये है कि आपको बूस्टर लगवाना पड़ेगा ठीक है आपको बूस्टर लगवाना पड़ेगा यही क्या है इसका कंक्लूजन है चलिए बताइएगा पहला है यहाँ पे डीएनए बेस्ड बताओ यार डीएनए बेस्ड वैक्सीन कौन सी है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए सेकेंड है न्यू वेरिएंट जो अभी पाया गया है इसका नाम क्या है इसका नाम है बी एफ सेवन कहाँ पे इसके केसेस शुरू हुए चाइना के अंदर हुए इंडिया में इसके जो केसेस है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे दो जगह पे आपको मिलेंगे कौन कौन सी जगह है गुजरात एंड ओडिशा कहाँ रह गए जाइडस बिल्कुल सही कौन सी है जाइडस वैक्सीन जो है इनके द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है वो क्या है वो डीएनए बेस्ड है मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रखा गया है तो डब्ल्यू एच ओ ने मंकी पॉक्स का नया नाम रखा है एम पॉक्स अगला है ब्लैक फंगस ये भी आपने देखा था इसके जो केसेस थे ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे इंडिया में स्टार्ट हुआ था और हरियाणा ने इसको इमरजेंसी सबसे पहले डिक्लेयर किया था किसने हरियाणा ने अगला क्या है सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है पुणे के अंदर है इसके हेड कौन हो जाएंगे साइरस पुणे वाला प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड कौन है आधार पुणे वाला ठीक है और ये जो साइरस है इनको क्या मिला था पद्म अवार्ड्स मिला था कौन सा अवार्ड मिला था पद्म अवार्ड मिला था अगला ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड 2022 कौन सा है तुम्हारा फेवरेट हम्म कौन सा वाला है <laughs> 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 जी बताइए कौन सा वाला यहाँ पर हो जाएगा अरे गॉबलिन मोड भाई गॉबलिन मोड कौन सा था गॉबलिन मोड की दुनियादारी एक तरफ और अपना आराम एक तरफ दैट इज अ गॉब मोड अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहले जो किट है इंडिया के अंदर जिसको अप्रूवल दिया गया वो कौन सी होगी माय लैब डिस्कवरी की किसकी है माय लैब डिस्कवरी की सबसे पहले जो किट थी उसे अप्रूवल दिया गया एपिडेमिक डिजीज एक्ट सबसे पहले जब ये कोविड की शुरुआत हुई तो कोविड को यहाँ पर एक एक्ट के अंदर ऐड करते हुए जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको लगाया गया था उसके बाद में कहा गया था कि सैनिटाइज आपको रखनी पड़ेगी हर एक जगह को मास्क होना चाहिए सैनिटाइजर होना चाहिए ये सारी बातें इसी एक्ट के अंदर बोली गई थी ये एक्ट कब का है ये एक्ट कब का है 1897 का है कब का है 1897 का है ठीक है चलिए एक मान भाव है मान भाव कह रहे हैं कि मैम क्या हम लोग तीन अलग अलग डोज तीन अलग अलग कंट्री की लगवा सकते हैं अब इसका जो मतलब ये जो सुविचार आया है ये जो आज का सुविचार है वीकेंड का सुविचार इसका जवाब आप ही लोग दे दीजिएगा ठीक चलिए दूसरी वाली जो न्यूज है वो है किसके ऊपर नेशनल फार्मर्स डे किसके ऊपर है नेशनल फार्मर्स डे चलिए सवाल है यहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से दिन को फार्मर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है तो ये सेलिब्रेट होता है ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसंबर को कब होगा ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसंबर को ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिसंबर क्या है नेशनल मैथ्स डे है क्या है नेशनल मैथ्स डे है और ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फार्मर्स डे तो आइए जरा यहाँ पे बात करते हैं कि जो फार्मर्स डे है ये क्यों सेलिब्रेट होता है या फिर जो किसान दिवस है इसको क्यों मनाया जाता है आपने एक नाम सुना होगा आपने एक नाम सुना होगा और वो नाम किसका है यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी जो लोग लखनऊ वाले हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा क्योंकि अमोसी एयरपोर्ट जो है लखनऊ के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम भी इनके ही नाम पे रखा हुआ है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ तो ये जो है ना इन्हीं का जो बर्थडे है उसी को हम किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं कौन है चौधरी चरण सिंह जी इनका जन्म कब होता है ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसंबर नाइनटीन जीरो टू में कब होता है नाइनटीन जीरो टू में इनका जन्म होता है और ये हमारी कंट्री के फिफ्थ पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए थे कौन से नंबर के फिफ्थ पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए थे कब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था 1979 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ लेकिन इनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा तो कब अपॉइंटमेंट हो रहा है 79 में और यहाँ पर ये पीएम की पोस्ट से हट कब गए 1980 में 1980 में इनको एक साल भी पूरा नहीं हुआ था और एक साल के अंदर ही इनको इस पोस्ट से हटना पड़ा था तो यहां पे ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड इनका रहा इवन लोकसभा की भी जो बैठक होती है जो वहां पे संसद के अंदर जो पूरा सेशन होता है वहां पे भी ये कभी नहीं जा पाए क्यों क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए पीएम एम रहे नहीं तो इतने से टाइम पीरियड के लिए पीएम के रूप में इन्होंने काम किया लेकिन इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा काम किया जिसकी वजह से इनके बर्थडे को हम क्या बोलते हैं किसान दिवस के रूप में मनाते हैं इनके द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल ये सबसे पहले लाया गया इन्होंने जमींदारी सिस्टम जो है उसे पूरी तरीके से खत्म करने का जो काम है वो भी इनके द्वारा ही किया गया था तो ये याद रखिएगा इसके अलावा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिलती है कहाँ पर मेरठ के अंदर कहा मेरठ के अंदर ठीक है तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ बर्थडे कब है ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसंबर को किसका बर्थडे है चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे है इनके नाम पर जो एयरपोर्ट है वो कहाँ है लखनऊ के अंदर है इनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर होगी मेरठ के अंदर आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी अगर आपसे कहा जाए कि इनका टाइम पीरियड कितना रहा तो 79 से लेके 79 से लेके 1980 के बीच में ये एज अ पी रहे इन्होंने लोकसभा के एक भी सेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था इन्होंने सबसे ज्यादा फार्मर्स के लिए काम किया एंड सबसे इंपॉर्टेंट जमींदारी सिस्टम जो था इसको एबॉलिश किया गया इसको किया गया ठीक है ना ये ध्यान देना कि इसको यहां पे किया जा रहा है पहली बार इसकी शुरुआत कब होती है तो 2001 में 2001 में इस दिन की शुरुआत होती है इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है जय जवान जय किसान ओके तो यहाँ पर 2001 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया ये क्या है दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी किसकी बर्थ एनिवर्सरी है ये नाम आपको बता दिया यहाँ पे कौन से नंबर की एनिवर्सरी है तो वन ट्वेंटी एथ नंबर की एनिवर्सरी आपको इनकी मिलेगी ठीक तो ये हो गया इनके बारे में कि हम यहाँ पे दिन क्यों मनाते हैं चलो बताओ सबसे पहला पॉइंट पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल नंबर क्या होगा इसके लिए आर्टिकल नंबर है सेवेंटी नाइन हमारे संविधान के अंदर संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर सेवेंटी नाइन जो है जो कि यूनियन फाइव के अंदर दिया गया है पार्ट नंबर फाइव के अंदर इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल क्या है सेवेंटी नाइन है यहाँ पे तीन चीजें होंगी लोकसभा राज्यसभा एंड राष्ट्रपति है ना तो यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया अगला क्या है स्पीकर के लिए आर्टिकल नंबर क्या होगा स्पीकर के लिए आर्टिकल नंबर क्या है तो एक तो होता है स्पीकर एक होता है डिप्टी स्पीकर और यहाँ पे इसके लिए आर्टिकल नंबर क्या होगा 93 होगा स्पीकर कौन होता है तो स्पीकर जो है वो लोकसभा का क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा लोकसभा का क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा अगला मिनिमम एज कितनी होती है ये सवाल अभी जितने पेपर हुए सब में पूछा गया मिनिमम एज कितनी होती है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए पच्चीस हो जाएगी राज्यसभा के लिए तीस हो जाएगी लेकिन अगर राष्ट्रपति पूछा जाए या राज्यपाल पूछा जाए तो कितनी है पैंतीस है वाइस प्रेसिडेंट का पूछा जाए तो भी कितनी है पैंतीस है विधानसभा में और विधान परिषद में तो विधानसभा में और विधान परिषद में ये यहाँ पे एज ग्रुप जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ पंचायत का अगर हम देखें अगर हम पंचायत की बात करें तो पंचायत में कितनी एज होती है इलेक्शन में खड़े होने के लिए ट्वेंटी वन कितनी ट्वेंटी वन हो जाएगी ठीक है अगला देखिएगा वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे यहाँ पे कौन बने हैं जगदीप धनकर जी कौन है जगदीप धनकर जी कहाँ से बिलोंग करते हैं ये राजस्थान से अभी लास्ट ये कहाँ के राज्यपाल थे वेस्ट बंगाल के अभी फीफा हुआ था अभी फीफा हुआ था यहाँ पे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे यही थे कौन जगदीप धनकर जी यही कौन थे रिप्रेजेंटेटिव थे कल मैंने आपको पढ़ाया था आ, हाँ आपने अच्छा बिहार वाला पेपर कल था बिल्कुल सही बात है बिहार का पेपर था आपका पढ़ाया ही हुआ सब आया था अरे मुबारक हाँ बिहार का जो पेपर था वो मुझे पेपर मिल गया है वो हम आपको मंडे को सॉल्व करवाएंगे क्लास के साथ में ठीक है अच्छा फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है अभी वाइस प्रेसिडेंट जी का एक क्या बनाए एक ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप के अंदर किसका अपॉइंटमेंट किया गया है अपॉइंटमेंट क्या मतलब नाम जो है वो नॉमिनेट किया गया है किसका नाम है पीटी उषा किसका नाम है पीटी उषा का अगला लिखा हुआ है राष्ट्रपति अगला लिखा हुआ है राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू न्यारिका वेरी गुड कौन हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी इंडिया ठीक है ना ये याद रखिएगा यहाँ पे आपसे ये जो सवाल है ये पूछा जा सकता है हाँ जी पहले तो तालियां बजनी चाहिए फर्स्ट मुस्लिम पायलट फ्रॉम इंडिया जिसने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया और एनडीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद में शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट या ऐसे मत बोला करो मैम आप पेपर लीक करा देती है ऐसे मत बोला करो कमेंट बॉक्स में पता नहीं कौन कब कहा कमेंट देख ले ऐसे नहीं बोला जाता है कभी ठीक है चलो आज आप बात करते हैं सानिया मिर्जा एक तो नाम हम लोगों ने सानिया मिर्जा का सुना है टेनिस के अंदर है ना अरे शोएब मलिक की वाइफ और हैदराबाद की गर्ल सानिया मिर्जा सबने नाम सुना हुआ है तो सानिया मिर्जा जो है ये बनी है सबसे पहली मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट राइट ये बिलोंग करती हैं एक गांव से गांव का नाम क्या है जसोवर आपको बताना है ये कौन से स्टेट में है देखो जरा खुशी देखो यू यू तालियां बज रही है अरे इसका आंसर इस आंसर इसका आंसर क्या है है यूपी यूपी इज द राइट इसका इसका क्या करेक्ट आंसर है आइए जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये न्यूज जो है वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है देखो एक्चुअल में क्या है ना कि एनडीए और सीडीएस का जब एग्जाम होता है तो उसमें आप देखोगे कि बहुत ही कम गर्ल्स होती हैं जो क्वालिफाई करती हैं पहले तो इनके फॉर्म भरने का राइट भी गर्ल्स के लिए नहीं होता था लेकिन 2015 के बाद से गर्ल्स को ये फॉर्म भरने की परमिशन मिली थी राइट तो अभी क्या हुआ था अभी कुछ समय पहले की बात है कुछ समय पहले की बात है आपने एक नाम सुना होगा अवनी 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 जे याद आई अब, अब ये वाली नहीं है? पता चला वो वाली अवनी समझ लो चलिए यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में सानिया के बारे में सानिया जो है ये यूपी से बिलोंग करती है इन्होंने एनडीए का एग्जाम क्रैक किया था और अब ये बन चुकी हैं फर्स्ट मुस्लिम गर्ल जो कि क्या बनेगी फाइटर पायलट क्या बनेंगी फाइटर पायलट बनने जा रही हैं पहला पॉइंट तो ये हो गया है ना सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इंडिया के अंदर पहले जो था वो यहाँ पे इन फॉर्म्स को भरने का राइट गर्ल्स को नहीं हुआ करता था बट दो में ट्रायल बेसिस पे 2015 में ट्रायल बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये डिक्लेयर किया था कि हम यहाँ पे गर्ल्स को भी परमिशन देंगे उसके बाद ही यहाँ पर ये चीज देखने को मिली तो अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो हमने ट्रायल बेसिस पे शुरू किया था अब हम इसको परमानेंट कर देंगे अब हम इसको परमानेंट कर देंगे ताकि वेमेन एम्पावरमेंट भी हो सके क्या हो सके विमेन एम्पावर्मेंट भी हो सके ये कहां से बिलोंग करती है तो ये यूपी से बिलोंग करती है खुशी देखो आज बड़े दिनों बाद में मैम यूपी आया एंड ये किससे इंस्पायर्ड हैं मतलब इनकी यहाँ पर अगर बात की जाए कि किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हैं तो उनका नाम क्या है अब आपको बताया हाँ बताओ अबनी का नाम सबने सुन लिया है ना तो आपने एक नाम सुना होगा वो नाम है यहाँ पे किसका अबनी का और ये अबनी कौन है तो अबनी चतुर्वेदी अगर आपको ये नाम याद आ रहा हो तो ये है हमारी कंट्री की सबसे पहली कॉम्बैक फाइटर पायलट क्या है सबसे पहली कॉम्बैक फाइटर पायलट जो है वो आपको यही देखने को मिलेंगी और इनके नाम के साथ में दो और नाम जो है वो भी जुड़े हुए हैं जल्दी से बताओ वो दो और कौन से पर्सनालिटीज़ थे मिर्जापुर हाँ जी इनके जो पिताजी हैं वो मिर्जापुर के अंदर मिर्जापुर के अंदर जो टीवी बनाने वाले होते हैं ना वो अलग काम करते थे बिल्कुल सही कहा आपने पूरा आर्टिकल लगता है लड़का पढ़ के आया आज जी हाँ बिल्कुल सही आपने बताया नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं शिवांगी सिंह इनके बारे में भी तो बात करोगे कि नहीं करोगे शिवांगी सिंह अगर बात आएगी किसकी राफेल की किसकी बात आएगी राफेल की तो यहाँ पे फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट कौन सा वाला राफेल वाला कौन सा है राफेल है राफेल टोटल कितने थर्टी सिक्स सारे आ चुके हैं जी हाँ सारे आ चुके हैं कहाँ से आए हैं फ्रांस से आए हैं अभी जब ये आए तो कौन कौन से स्टेट के अंदर हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल कहा हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल हाँ ये दो नाम रह गए भावना कांत दूसरा भावना कांत एक और नाम बचा है <laughs> सोचो सोचो भावना कांत हो गई एक और नाम बचा है भाई हाँ अग्रवाल वो देखो उसको जोया अग्रवाल याद आ रही है भावना कांत के अलावा कौन है मोहाना सिंह कौन है मोहाना सिंह ओ प्रभु मेरे सुनो जोया अग्रवाल यहाँ कहां से आ गई वो तो एयर इंडिया वाली थी यहाँ पे बात हो रही है हमारे इंडियन फोर्सेस की ठीक है वो अलग जोन है ये अलग जोन है जोया अग्रवाल नहीं आएंगी। क्या बात करते हो तुम लोग तो ये नाम याद रखिएगा अवनि भावना कांत मोहाना सिंह ये तीनों के तीनों एक साथ में इन्होंने क्या किया था भैया कॉम्बैक्ट सबसे पहली फ्लाइट उसके बाद में शिवांगी सिंह का नाम आएगा राफेल के साथ में फ्रांस राफेल हरियाणा वेस्ट बंगाल कंपनी कौन सी होगी डेसॉल्ट कंपनी कौन सी कंपनी है डेसॉल्ट कंपनी आपको मिलेगी ये कहां से बिलोंग करती है तो ये बिलोंग करती है यूपी से और अगर हम अवनी की बात करें बिकॉज शी इज द डाई हार्ट फैन ऑफ अवनी ठीक है हाँ अगर हम अवनी की बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करती है रीवा एमपी कहा से रीवा एमपी से ये बिलोंग करती है फाइन चलिए बताइए अब यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं जैसे कि निर्मला सीतारमन जी बताइए भैया ये कौन है ये हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट फुल टाइम फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है दूसरा नाम क्या है जीएस लक्ष्मी दूसरा नाम जीएस लक्ष्मी इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहली फीमेल रेफरी के रूप में जानी जाती हैं फीमेल मैच रेफरी के रूप में जानी जाती इनके नाम के ऊपर मैक्सिमम पेपर में सवाल बनता है अगला क्या आरोही पंडित अगला नाम क्या आरोही पंडित फर्स्ट इंडियन जिन्होंने को, को क्रॉस किया।, किया अगला नाम है हेमा दास ये बनी थी सबसे पहली एथलीट ये बनी थी सबसे पहली एथलीट जिन्होंने अंडर ट्वेंटी जिन्होंने अंडर ट्वेंटी में मेडल जीता था किसमें Under 20 में मेडल जीता था ओके okay, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? आसाम से ये बिलोंग करती हैं। अंडर ट्वेंटी में इन्होंने मेडल जीता, से बिलोंग करेंगे अगला नाम है एनी बेसिन जब हम बात करते हैं आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो इसकी सबसे पहली फीमेल अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया तो ये हो जाएंगी एनी बेसिन लेकिन अगर हाँ बिल्कुल देखो जहां यूपी आता है वहां एमपी हमेशा आता है क्योंकि दोनों भाई बहन हैं हाँ। ओके okay? अगला पॉइंट यहाँ पे ये कि अगर इंडियन पूछा जाए इंडियन विमेन पूछा जाएगा आईएनसी की हेड कौन है तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू तो आंसर क्या होगा आंसर बनेगा सरोजनी नायडू हाँ बिल्कुल सही बात है नेक्स्ट आइए सावित्री फुल्ले इनका नाम भी आपने सुना होगा पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये सबसे पहली फीमेल टीचर थी जिन्होंने क्या किया था विमेन एजुकेशन के लिए काम किया था और एक विमेन यूनिवर्सिटी जो थी या uh, जो था उसकी शुरुआत भी की थी अगला नाम है अमृत कौर अगला नाम है अमृत कौर ये कौन थी अमृत कौर कौन हो जाएंगी फर्स्ट कैबिनेट विमेन। फर्स्ट कैबिनेट विमेन ओके नेक्स्ट नाम रीता पारिया ये कौन थी टन टन हाँ मिस वर्ल्ड मिस ये तो ये तो सब याद ही रहता है ना मिस वर्ल्ड पहली जो इंडियन थी विमेन वो कौन थी मिस वर्ल्ड आरती शाह ये कौन थी सबसे पहली विमेन इंग्लिश चैनल इंग्लिश चैनल सबसे पहली इंडियन विमेन कल्पना चावला जी का नाम सभी लोग जानते हैं यहाँ पे फर्स्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया जो कि स्पेस पे गई इनके बाद में किसका नाम आएगा सुनीता विलियम्स और इसके बाद में किसका नाम आएगा बताओ चलो बता देते हैं श्रीशा बांदला ओके? श्रीशा शाह भाई साहब आज की जो न्यूज ऑफ द डे है वो ये है क्योंकि देखो हम लोग हमेशा खाने पीने की बात पर जाके सिख हो जाते हैं तो यहाँ पे खाने पीने की जो बात है वो आपके सामने आती हुई अभी तक आपने देखा है कि स्कूलों के अंदर मिड डे मील चलता है कुछ जगह पे क्या हो गया कि भाई मिड डे मील तो दोपहर में लंच मिलता है लेकिन उसके साथ सुबह सुबह भी ब्रेकफास्ट मिलता है अब क्या होगा स्कूल स्कूल पहुंचते ही सबसे पहला ब्रेकफास्ट आप पहुंचेंगे और पहुंचते ही आपके लिए होगा मिनी ब्रेकफास्ट और उसके बाद में मिड डे मील आपको मिलने वाला है ऐसा सब अपने टाइम पे क्यों नहीं हुआ था यार बात करते भाई क्या कहा जा रहा है मिनी स्नैक ब्रेक्स एंड पेरेंट काउंसलिंग सेशन इसकी शुरुआत होने जा रही है। जरा आप मुझे बताएंगे कि ये कौन शुरू कर सकता है कौन सा यूटी कौन सा स्टेट होगा जो इसकी शुरुआत करेगा यहाँ पे तो ये एकमात्र है और वो एक मात्र कौन है दिल्ली 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 कौन है दिल्ली क्या है दिल्ली है ना यह सच बता रहे हैं सब अपने टाइम में क्यों नहीं होता था बताओ पॉपकॉर्न मिल रहा है और पता नहीं क्या क्या और अभी सुनो तो इसमें मजेदार बातें भी हैं बहुत सारी सुनिएगा तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि ये जो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट है इन्होंने कहा है कि स्कूलों के अंदर अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा मिनी स्नैक ब्रेक क्या लॉन्च किया जाएगा मिनी स्नैक ब्रेक जो है वो लॉन्च किया जाएगा भाई साहब आते आते ही कौन सा ब्रेक मिलता है अभी तो घर से उठ कर आए हैं सर्दियों के टाइम पे तो मुंह धो के भी नहीं जाते हैं आधे बच्चे ऐसे ही बस मम्मी कपड़े पहना देती है और बच्चे भाग जाते हैं है कि कि नहीं चलिए तो यहाँ पे जरा बात करेंगे होगा क्या देखो हमारे यहाँ पे क्या चलता है मिड डे मील चलता है, है? दोपहर का खाना है ब्रेकफास्ट तो होता नहीं है अब बोला गया है दिल्ली के अंदर कि माल न्यूट्रिशन की जो दिक्कत है है ना ये जो कुपोषण की समस्या है इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं मिनी स्नैक ब्रेक क्या मिनी स्नैक ब्रेक हम इसको लॉन्च करेंगे और सबसे मजेदार बात तो यहां पर यह है कि जो लंच टाइम होता है जो लंच टाइम होता है उससे यानि कि करीबन ढाई घंटे पहले ये मिनी ब्रेकफास्ट दिया जाएगा जो लंच होता है उससे ढाई घंटे पहले जो ये लंच है ये प्रोवाइड किया जाएगा जब ये लंच जो है वो ढाई घंटे प्रोवाइड मतलब ढाई घंटे पहले प्रोवाइड किया जाएगा तो ऑबियस बात है आप उतने टाइम पे तो आए होगे ना स्कूल के अंदर उससे पहले तो नहीं आए होगे स्कूल में होता भी ये था ढाई घंटे पढ़ाई फिर लंच फिर ढाई घंटे पढ़ाई यही तो होता था तो जाते ही जाते बेटा तुमको क्या मिलेगा खाने को मिलेगा अब बताओ बताओ है देख रहे हो ये इम्प्रेस करने का तरीका है <laughs> चलो अच्छा पढ़ो तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर ऐसा किया जाएगा अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई इसपे कितने टाइम पहले आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा तो करीबन ढाई घंटे पहले ब्रेकफास्ट दिया जाएगा मजेदार बात यहाँ पे ये यह है कि इसके अंदर तीन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा यानी कि जो ब्रेकफास्ट मिलेगा उसमें तीन चीजें इंक्लूडेड होंगी जिसमें एक तो है वो आपका फ्रूट हो गई होगा जो भी सीजनल फ्रूट होगा वो होगा और बाकी दो चीजें आपके चॉइस की होंगी बाकी दो तो चीजें आपके चॉइस की होंगी मतलब आपका तो जो खाने का मन है आप वो खा सकते हो लेकिन इतना ही नहीं होगा इसके साथ में पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की जाएगी अब पेरेंट्स की कौन सी काउंसलिंग होगी पेरेंट्स को भी यहाँ पे ये यह बताया जाएगा कि आप अपने घर पे बच्चों को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं आजकल जो ना वाली चीजें होती है वो ज्यादा खाते हैं है ना तो यहाँ पे पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की जाएगी ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है कहाँ पर दिल्ली के स्कूलों के अंदर इसकी शुरुआत की जाएगी सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हो रही है वो चाहे आपका गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे आपके प्राइवेट स्कूल हो हर जगह पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये लागू किया जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये सब जगह पे लागू किया जाएगा कितने टाइम पीरियड पहले ये बता दिया अच्छा ये लंच ब्रेक जो है वो कितने टाइम पीरियड का होगा मतलब लंच जो ये होगा ये वाला ये कितनी देर का होगा दस मिनट का कितनी देर का होगा दस मिनट का ये आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा किसके लिए मिनी लंच के लिए फाइन। तो कितने लोगों के मतलब अंदर मन से ये आवाजें आ रही हैं कि काश ये अपने टाइम पे भी होता आप चलो जरा बात कर लेते हैं दिल्ली के अंदर और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया तो माय ईवी क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो यहाँ पे एक सवाल आया नहीं मिड डे मील तो मिलेगा ही मिलेगा भाई मिड डे क्यों नहीं मिलेगा वो तो चल ही रहा है है ना आ, देखो देखो वहां पे अपनी अपनी डिशेस बताई जा रही हैं कि कौन सी वाली डिश हमें मिलनी चाहिए हाँ एक्चुअली ही इज जस्ट लीविंग तो बस वो बोलने आए थे आई एम गोइंग तुम लोग कितना मतलब यहाँ ध्यान नहीं है ध्यान इस बात पे था कि कौन आया था रूम तक वाह बेटा वाह वाह बेटा वाह चलो दिल्ली के अंदर पहला तो हो गया माय ईवी पोर्टल लॉन्च किया गया उसके अलावा यहाँ पे हॉबी हब क्या लॉन्च किया गया हॉबी हब ये भी दिल्ली के अंदर आया इसके बाद दिए जलाओ पटाके नहीं दिए जलाओ पटाके नहीं ये भी कैंपेन कहाँ शुरू हुआ था दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी चलिए बताइए मिड डे मील योजना भारत के अंदर 1995 सबसे पहले कहां से तमिलनाडु से इसकी शुरुआत होती है अगला क्या है फर्स्ट स्टेट विद ब्रेकफास्ट इन द मिड मी मिड डे मील यानी कि मिड डे मील के साथ में ब्रेकफास्ट की योजना कहाँ पे लॉन्च हुई तमिलनाडु के अंदर इसको लॉन्च किया गया अगला क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए कौन सा अनुच्छेद आपके संविधान में दिया गया है हम्म हाँ यार हम लोग के स्कूल के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ बताओ एक विलन कितना परेशान है ऐसे थोड़ी ना होता है अच्छा हाँ भाई बारिश तो हो रही है कल लखनऊ में भी बारिश हुई है यहां पे भी बार... बारिश तो नहीं मतलब तो बांदी तो हुई है ये बताओ यार कहाँ रह गए हाँ करेक्ट है जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ सुनिएगा तो आर्टिकल नंबर टू थर्टी नाइन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है अगर आपसे कहा जाए कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन तो आप आंसर करेंगे टू कैपिटल ए कैपिटल ए हो जाएगा अगला है दिल्ली के लिए यहाँ पे एनसीआर इसको बनाने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया था वो अमेंडमेंट कौन सा वाला होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा अगला फुटबॉल फॉर ऑल ये कॉन्सेप्ट कहां पर आया बच्चों के लिए ओडिशा के अंदर कहाँ आया ओडिशा के अंदर उसके बाद ग्रास रूट फुटबॉल ये कॉन्सेप्ट आया अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहा अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगला एक स्टेडियम जो कि बन रहा है फुटबॉल का कहां पे एक तो है भूटिया के नाम पर किसके नाम पे भूटिया जी के नाम पर कहा सिक्किम के अंदर और एक बनेगा किसके नाम पे संगमा जी के नाम पर कहा पर मेघालय के अंदर कहा मेघालय के अंदर इतू खेलो इतू पढ़ो योजना ये है अपनी सबसे प्यारी योजना जो कि कहा त्रिपुरा के अंदर शुरू की गई पे त्रिपुरा के अंदर शुरू की गई आइए जरा चलते हैं अवॉर्ड की तरफ कितना प्यारा अवॉर्ड लग रहा है है ना चलिए कहा जा रहा है इनमें से कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अभी हाल ही में पहला रोहिणी नायर प्राइज से सम्मानित किया गया है ये अवॉर्ड दिया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा काम किया है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको से रिच एम सैंग टैम को किसको सेम सैंगटैम को सैंग टैम याद रख लेना एटलीस्ट इतना तो आपको याद ही रहना चाहिए आइए बात करते हैं देखिए जो रूरल डेवलपमेंट होता है इसको फोकस करते हुए यहाँ पर एक अवार्ड की शुरुआत की गई है और ये अवार्ड स्टार्ट किया गया है किसके नाम पे रोहिणी नायर के नाम पे अवार्ड की शुरुआत हुई है ये जो अवार्ड है ये यह अवार्ड यह यहाँ पे दिया जाएगा किसके लिए जिसने रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में अच्छा काम किया हो और इस अवार्ड की शुरुआत की गई है इनकी फैमिली के द्वारा इनकी फैमिली के द्वारा एक फाउंडेशन बनाया और उसके अंदर इसकी शुरुआत जो है ये अवॉर्ड दिए जाएंगे तो पहला अवॉर्ड जो है वो यहाँ पे दिया गया है अब पहला अवार्ड किसको दिया गया है सैन टैम जी को दिया गया है फर्स्ट अवार्ड है क्या है फर्स्ट अवार्ड है क्यों इन्होंने कौन सा काम किया तो इन्होंने बहुत सारे गांव के अंदर जो माइग्रेंट लेबर्स है या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कोई गांव होता है अब गांव के अंदर जरूरी नहीं है कि उस गांव के अंदर वहीं के लोग रहते हो कई बार होता है ना कि बाहर के आसपास के गांव के लोग भी उसी गांव में आके रहने लगते हैं तो कुछ ऐसे जो फार्मर्स होते हैं जो ऐसे किसान होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं काम ढूंढने के लिए उन लोगों को सहायता दी गई थी किसके द्वारा इनके द्वारा टोटल कितने लोगों को 1200 जो मार्जिनल फार्मर्स थे जो मार्जिनल फार्मर्स थे जिनके पास में ज्यादा ज़मीनें नहीं थी और वो काम भी ढूंढ रहे थे उन फार्मर्स को यहाँ पे सहायता प्रोवाइड की गई थी इन्होंने कहाँ पर काम किया है नागालैंड के अंदर कहाँ के फार्मर्स को सहायता पहुंचाई है नागालैंड के जो लोग हैं उनको यहाँ पे सहायता जो है वो पहुंचाई गई है ठीक है एक, अच्छा एक चीज और हम आपसे कहना चाहेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना जब नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो ये वाले 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 जो पॉइंट्स न, वाले पॉइंट्स पॉइंट्स होते हैं 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 ना ये ये भी अपने नोट्स में लिखते चले जाते हैं। और फिर कहते हैं कि मैम छूट गया बेटा ये पॉइंट्स आपको नहीं लिखने होते हैं आपको जो कॉन्टेंट लिखना होता है वो कॉन्टेंट सिर्फ यहाँ तक का लिखना होता है क्योंकि बाकी चीजें ऑलरेडी आपकी कॉपी के अंदर लिखी हैं तो चार चार बार क्यों लिख रहे हो यार एक ही बात फिर कहते हो कॉपी भर गई मैडम आप बताइए मैम कॉपी भर गई है? चलो तो यहाँ पर क्या हुआ इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, one, जिनको पे ये दिया गया है अब इनको ये अवार्ड दिया किसने है तो ये अवार्ड दिया गया है नीति आयोग के नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है कौन है ये ये हैं सुमन बेरी कौन है ये सुमन वेरी अगर कहा जाए सीईओ ऑफ नीति आयोग तो ये कौन हो जाएंगे पी आई कौन है पी आई और अगर बोला जाए चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग तो ये कौन है ये है पीएम ये कौन है ये है पीएम ठीक है ये ध्यान दीजिएगा यहाँ ये हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आइए जरा अवॉर्ड की बात करते हैं बताना शुरू कीजिएगा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट को दिया गया आपको बताना है कि ये अवॉर्ड किसको दिया गया है मतलब दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा किसको या कौन सी फ्लाइट्स को दिया गया है स्पाइस जेट यूएस के द्वारा यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवॉर्ड से किसको सम्मानित किया गया है तो ये अवॉर्ड किसको दिया गया कृष्णा कोई बता रहे हैं कृष्णा वे लाला हम्म <laughs> ऐसे बहुत से पर्सनालिटीज होते हैं जो कि इंडिया के अंदर वेलफेयर का काम करते हैं जरूरी नहीं है कि वो इंडियन हो ऐसा जरूरी नहीं है तो क्या होगा? ये नाम मैंने अभी आपको बताया कृष्णा बीला अगला सुनिएगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आई के अंदर अभी पहला अवार्ड किसको दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया चिलई कानन ये जो फेस्टिवल है चालीस दिनों का ये भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आयोजित किया जा रहा है अगला कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीएम प्राइस इन ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीएम प्राइस किसको दिया गया तो नाम क्या हो जाएगा वीना नायर क्या है वीना नायर अगला मिसेस वर्ल्ड 2022 मिसेस वर्ल्ड 2022 ये खिताब किसको गया सरगम कौशल किसको गया सरगम कौशल को अवार्ड दिया गया अगला क्या है आई वर्ल्ड चैंपियनशिप टू ये किताब किसके हाथ में गया तो गया। अगला टू गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशन के अंदर इंडिया की कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया है तो ये हो गई ट्रिपल आर कल पढ़ाया था ना टू ना टू वाला गाना अब ये क्या है इसके लिए भी नॉमिनेट हुई है डब्ल्यू टी ए यानी कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया तो ये स्वेटिक को दिया गया कहां से हैं ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। चलो भाई तालियां एक बार फिर से बजनी चाहिए क्योंकि यहां पर आपके सामने एक नाम है और ये है अंतिम पंगल कौन है अंतिम पंगल और इनको नॉमिनेट किया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड ब्रेस्टलिंग राइजिंग स्टार के रूप में इनको नॉमिनेट किया गया है चलिए जरा जानते हैं सवाल सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में यूएन या फिर यूनाइटेड वर्ल्ड ब्रेसलिंग राइजिंग स्टार या राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसको नॉमिनेट किया गया है तो वो है अंतिम पंगल कौन है अंतिम पंगल अब देखो जब भी हम रेसलिंग की बात करते हैं या हम बॉक्सिंग की बात करते हैं तो मैक्सिमम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो है वो आपको हरियाणा से ही मिलते हैं है ना तो ये भी कहाँ से? से, से है ये भी हरियाणा से है कहा से है हरियाणा से है इनका नाम कौन से स्पोर्ट के साथ में जुड़ा हुआ है प्री स्टाइल ब्रेसलिंग के साथ में इनका जो नाम है वो जुड़ा हुआ है अच्छा अब इनका नाम नॉमिनेट क्यों किया गया राइजिंग स्टार के लिए यानी कि उभरता हुआ सितारा तुम लोग भी तो राइजिंग स्टार हो तुम लोग भी तो राइजिंग स्टार हो तो यहाँ पे क्या है राइजिंग स्टार का खिताब इनको दिया जाएगा देखो जब भी कोई नॉमिनेट होता है और इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हो तुरंत समझ जाना कि आने वाले टाइम में उसी को अवार्ड मिलेगा कैसे पता जैसे कि अक्टूबर में विराट कोहली का नाम सुर्खियों में चल रहा था कि इनको नॉमिनेट किया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए और उनको अवार्ड मिल गया था है ना इसी तरीके से पीवी सिंधु के साथ भी हुआ था तो बस नॉमिनेशन अगर आ जाए तो समझ जाना अवार्ड उन्हीं को मिलेगा ओके okay, चलिए अब इन्होंने क्या किया इन्होंने एक ही साल के अंदर काफी सारे मेडल जो हैं वो जीते हैं जिसमें सबसे पहले वर्ल्ड में रेसलिंग में अंडर ट्वेंटी में अंडर ट्वेंटी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता क्या जीता गोल्ड मेडल इन्होंने जीता और ये गोल्ड मेडल जो इन्होंने जीता है ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू का August 2022। इसके अलावा जो और खिलाड़ी नॉमिनेट किए गए हैं उसमें एक नाम है नियोमी ओसाका। एक नाम है यहां पर नियोमी ओसाका। लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में है ये टेनिस की कैटेगरी में है निओमी ओसाका टेनिस प्लेयर है ना जापान से तो इनका जो नाम है वो किससे जुड़ा है वो टेनिस से जुड़ा है तो ये टेनिस वाली कैटेगरी में है. ये किसकी बात हो रही है ये बात हो रही है ब्रिस्टिंग की ठीक है चलिए अब ये तो बात हो गई कि इनका नाम जो है वो भैया नॉमिनेट हो गया है बहुत अच्छी बात है अब आप मुझे बताओ आपके सामने ये क्या लिखा है नाम और सबसे पहले तो नाम ही पढ़ के बताया था मैम नाम क्या है और अवार्ड का जो नाम है वो अवार्ड का नाम ये है अब क्या बताना है हाय रे मेरे देवा अच्छा इसी इसी कैटेगरी के अंदर नोनो -नो का उजाकी जो है, वो जापान से इनको भी नॉमिनेट किया गया खैर ये नाम अपने काम के नहीं है अपने काम का जो नाम था वो हमने बात कर ली चलिए 36 एशियन रेस्लिंग चैंपियनशिप 2023 ये कहां पर होगी तो ये दिल्ली के अंदर आयोजित की जाएगी अगला एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 1979 में कहां पर हुई थी ये मैंने कल पढ़ाया है आपको जालंधर कहा जालंधर अगला एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 1987 में कहां पर हुई थी तो यह भी मुंबई के अंदर इंडिया में ही हुई थी और नेक्स्ट ईयर भी इंडिया ही इसको होस्ट करने वाला है रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 पे कहां पर हुई थी बेलग्रेड कहां हुई थी बेलग्रेड के अंदर जहां पे बिनीश फोगाट ने मेडल जीता था बिनीश फोगाट ने मेडल जीता था कितने केजीज की कैटेगरी में फिफ्टी थ्री की कैटेगरी में अगला नाम है रवि धैया। अगला नाम है रवि धैया। कौन बताएगा इनके बारे में हाँ जी रवि धैया के बारे में कौन बताएगा रवि धैया की अगर हम बात करें तो अभी जब ओलंपिक हुए थे जब ओलंपिक्स हुए थे तो वहां पे इन्होंने कोई मेडल जीता था जीता था गोल्ड नहीं ब्रॉन्ज नहीं तो क्या बचा सिल्वर मेडल जो था वो इनके द्वारा जीता गया था बजरंग पुनिया इनका नाम भी जो है वो भी ब्रेस्टिंग फ्री स्टाइल से जुड़ा हुआ है और अगर अवॉर्ड बताओ आई मीन टू से मेडल बताओ इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था कहा आग लगी है भाई है कहा आग लगी है परेशान हुए जा रहे हैं चलो भाई अगली न्यूज जो है वो है किससे मोरक्को से जुड़ी हुई किससे जुड़ी हुई है मोरक्को से जुड़ी है आइए जरा बात करते हैं सवाल इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो आने वाले टाइम में फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन करेगी फरवरी 2023 में कौन सी कंट्री होगी जो इसका आयोजन करेगी तो मोरक्को के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा क्या होने जा रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्लब फुटबॉल क्या होगा क्लब फुटबॉल इसका वर्ल्ड कप है जिसका आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन कहाँ पर होगा फरवरी 2023 में मोरक्को के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा क्यों भाई मोरक्को को ही क्यों चूज किया गया है हाँ मोरक्को को ही इसलिए चूज किया गया क्योंकि इस बार के फीफा के अंदर मोरक्को ने बहुत अच्छा खेला था इसलिए एक फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक का जो समय है इतने टाइम के बीच में 2023 में ये चैंपियनशिप या फिर वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन किया जाएगा अगर हम बात करें कि 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो यूए के अंदर इसका आयोजन किया गया था नेक्स्ट पॉइंट किसने जीता था तो ये जीता गया था किसके द्वारा इंग्लिश फुटबॉल क्लब के द्वारा किसने जीता था इंग्लिश फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया था कहा के अंदर अब क्या होगा अब मोरक्को के अंदर होगा अच्छा क्लब फुटबॉल जो है क्या इससे पहले भी कभी मोरक्को के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है जी हाँ दो और दो में अब कब होगा अब होगा दो में कहा इन मोरक्को कहा होगा इन मोरक्को इसका आयोजन किया जाएगा राइट चलिए यह तो बात हो गई किसके बारे में कि क्लब फुटबॉल का आयोजन होगा फीफा के ऊपर कल मैंने क्लास लिया था दोपहर में बारह बजे नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा यूट्यूब पे ही है ओके चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे फीफा के बारे में बातें जो है वो बताना शुरू करिएगा लिखना मत लिखा हुआ है आपके पास में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द एसोसिएशन फुटबॉल कहा जा रहा है कि ये कब बनाया गया ये कब बनाया गया तो ये कब बनेगा ये बनेगा 21 मई 1904 कब बनेगा 21 मई कहाँ पर बनता है तो पेरिस के अंदर ये बनता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये मिलेगा जियोरिच के अंदर ज्यूरिच कहाँ है स्विट्जरलैंड के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है अगला क्या है कितने यहाँ पे मेंबर आपको मिलेंगे कितने मेंबर आपको मिलेंगे 211 सौ ग्यारह यहाँ पे आपको मेंबर मिलेंगे कितनी लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे अलाउड हैं लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ पे मेन जो है वो पांच भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं जिसमें से स्पैनिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये सबसे ज्यादा बोली जाती है अगला इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके कौन थे रॉबर्ट ग्यूरिन क्या नाम था रॉबर्ट ग्यूरिन रॉबर्ट ग्यूरिन ये कौन थे सबसे पहले इसके प्रेसिडेंट थे अगला फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां दोहा के अंदर कतर में इसका आयोजन किया गया पहली बार कौन सी टीम खेल रही थी कतर की जो टीम थी वो पहली बार खेल रही थी किसने जीता है अर्जेंटीना ने किसको हराया है फ्रांस को हराया है अगला फीफा वर्ल्ड कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूएसए कनाडा एंड मैक्सिको के अंदर खेला जाएगा ये तीनों के तीनों जो है ये के हैं बताइएगा पहला अंडर ट्वेंटी होगा कोस्टा रिका कोस्टा रिका अगला क्या है अंडर सेवनटीन वर्ल्ड कप ये तो अभी हुआ है इंडिया के अंदर हुआ है कौन जीता है स्पेन जीता है नेक्स्ट क्या है अंडर सेवनटीन विमेन वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कहां पर होगा तो ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होगा सारे पॉइंट्स लिख लेना फुटबॉल के ऊपर तो मैंने कब कहा कि इंडिया में नहीं है हमने भी तो एरो बना के इंडिया ही तो लिखा है स्पेन ने तो जीता है ठीक है स्पेन ने तो जीता है हमने भी तो इंडिया ही लिखा है ओके चलिए नेक्स्ट पे आइए अगला है नाम यहाँ पे पीवी सिंधु जी का आई होप कि आप लोगों ने इनका नाम करोड़ों बार सुना है हाँ जी बताइए सवाल में कहा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी खिलाड़ी हैं फीमेल की कैटेगरी में जिनको सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं हाईएस्ट पेड एथलीट कौन बनी है पोप्स की लिस्ट के हिसाब से तो अगर हम हाईएस्ट पेड की बात करें अच्छा एक सवाल है यहाँ पर कि मैम जब यूएन के अंदर वन नाइनटी थ्री मेंबर्स हैं तो फीफा के अंदर 211 कैसे हैं बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंट्री के हिसाब से टीमें बनती हैं क्लब टीमें नहीं होंगी रियल मेड्रिट नहीं होगी नाम नहीं सुना है रियल मेड्रिट का तो टीमों का यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है ना मेंबर इज नॉट लाइक कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज हैं यहाँ पे जितने क्लब कंट्रीज होती है ना जो क्लब मेंबर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे एज अ मेंबर काउंट किया जाता है ठीक है चलिए इसका करेक्ट आंसर है नियोमी ओसाका भाई साहब पिछले तीन साल से लगातार एक ही नंबर पे चल रही है अच्छी बात है हमें याद नहीं करना पड़ता सुनिएगा ने अभी अपनी लिस्ट रिलीज की है जिसके अंदर बताया गया है हाईएस्ट पेड एथलीट जो है वो कौन है वो है न्योमी ओसाका न्योमी ओसाका जापान से बिलोंग करती हैं सभी लोग जानते हैं और वो टेनिस प्लेयर हैं ये भी हम जानते हैं फाइन बट हम बात करेंगे पी सिंधु की तो पी सिंधु की अगर हम बात करें पी सिंधु की अगर बात करें Uh. Second. Just a second. एक एक चीज बताओ मिड डे मील जहां पे मैंने लिखा हुआ था मैंने वहां पे 1991 लिखा था बेटा चेक करो 1995 लिखा था तब से तुम पहली बार उस पर थे अरे देवा मेरा 1995 ही लिखा हुआ था मिड डे मील ठीक 1995, 1995, तो बस थैंक यू चलिए तो ने यहां पे क्या किया है भैया अपना नंबरिंग यहाँ पे की है जिसमें पी सिंधु जो है वो आपको ट्वेल्थ नंबर पे मिलेंगी पी सिंधु कौन से नंबर पे है ट्वेल्थ नंबर पे है अब देखो भाई पी सिंधु ने सारे अवार्ड्स की बात कर लेते हैं पी सिंधु ने अभी हाल ही में स्विस ओपन टूर्नामेंट जो है इसको जीता था ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी गया था उसके बाद में आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसके अलावा गोल्ड मेडल जीता था कहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर नेक्स्ट ओलंपिक्स की बात कर लो ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और जो अमाउंट इनको पे किया जाता है वो है सेवन पॉइंट वन बिलियन डॉलर वन मिलियन डॉलर तो ये सेवन पॉइंट वन मिलियन डॉलर जो है ये अमाउंट इनको पे किया जाता है ये डेटा जो है ये फोर्प के द्वारा निकाला जाता है जो कि अमेरिका की एक मैगजीन है कहाँ की मैगजीन है अमेरिका की एक मैगजीन है चलिए तो वन लाइनर हमने यहां से देख लिया अगला जो आपका वन लाइनर है वो है साहित्य अकेडमी अवॉर्ड्स अनाउंस हो चुके हैं और आप जानते हैं कि हर साल साहित्य अकेडमी अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो पहले हम इसका बेसिक जानेंगे फिर कौन कौन सी कैटेगरी में अवॉर्ड आए हैं क्योंकि अवार्ड जो है वो तो टोटल चौबीस में आएंगे चौबीस थोड़ी ना हमें याद रखना है ठीक है चलिए आइए बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ये किस में दिए जाते हैं तो ये लिटरेचर एंड लैंग्वेज में दिए जाते हैं किसमें लिटरेचर एंड लैंग्वेज में दिए जाते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा ये जो अवार्ड्स हैं ये अवार्ड्स दिए जाते हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड टोटल कितनी भाषाओं में जाएगा चौबीस भाषाओं में बाईस भाषाएं तो वो हैं जो आठवीं अनुसूची के अंदर लिखी गई हैं और दो लैंग्वेजेस और हैं एक है इंग्लिश लैंग्वेज और एक है राजस्थानी भाषा सब मिला के कितनी हो गई 24 भाषाओं में यह अवार्ड दिया जाएगा अब यह अवार्ड 2022 का जो है वो दिया गया है लेकिन पहली बार जब यह अवार्ड दिया गया था तो 1954 में दिया गया और यह अवार्ड सबसे पहला किसको गया आर के नारायण जी को गया किसको आर के नारायण जी को दिया गया अब हम बात करते हैं कि अभी जो अवॉर्ड दिए गए वो अवार्ड किसको दिए गए सुनिएगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अनुराधा रॉय को अवार्ड मिला है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अनुराधा रॉय को अवार्ड मिला है जितने नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं हम सिर्फ उसी को अंडरलाइन करेंगे दूसरा हिंदी लिटरेचर में हिंदी लिटरेचर में बद्री नारायण जी को अवार्ड से सम्मानित किया गया है और मराठी में प्रवीण बंदेकर जी को अवार्ड दिया गया है ये तीन तो अवार्ड यहाँ के हो गए लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर एक अवार्ड और भी दिया गया है उसकी बात करते हैं वो है भाषा सम्मान सुनना भाषा सम्मान अगर पूछ लिया जाए भाषा सम्मान अवॉर्ड जो है वो कौन से अवार्ड के अंदर आता है तो वो साहित्य अकेडमी अवार्ड के अंदर आता है ये अवार्ड किसको दिया गया तो ये अवार्ड दिया गया है उदयनाथ झा को उदयनाथ झा को अवार्ड दिया गया है अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताइए कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है जो ओवरऑल दिया जाता है उस ओवरऑल के अंदर अवार्ड किसको गया है तो एक किताब है जिसका नाम है काला पानी की सजा नहीं किताब का नाम सिर्फ काला पानी है तमिल लैंग्वेज कौन सी है तमिल लैंग्वेज है और किसको मिला है एम राजेंद्रन जी को दिया गया एम राजेंद्रन जी को एवॉर्ड से सम्मानित किया गया समझ गए तो ये यहाँ पर इतने नाम आपको याद रखने पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ये पांच नाम आपके पेपर में आती है ठीक है ना ये पांच नाम जो है वो आपके पेपर में आते हैं और पांचों नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं बाकी जो बेसिक है साहित्य अकेदमी अवार्ड का वो मैंने आपको बता दिया पहली बार किसको मिला ये नाम आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा ठीक चलिए यहाँ पर मैंने आपको बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी जो नाम थे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे इंग्लिश के लिए हिंदी के लिए दोनों याद रखिएगा बाकी यूजुअली इसमें नहीं पूछा जाता है तो इतना तो आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए तो ये था अपना आज का सेशन उम्मीद करेंगे कि आपने सारे पॉइंट्स को लिखा होगा ठीक है बेटा जब मैथिली भाषा जो है तुम अभी मैंने क्या बोला एथ शेड्यूल के अंदर जितनी लैंग्वेजेस है उतने में मिलता ही मिलता है फिर वही बात फिर बच्चों वाली बात कर देते हो तुम लोग अब बड़े हो गए हो तुम लोगों को अब एक नई पॉलिटी लिखनी है अभी कल तुम लोगों ने एक नया इतिहास लिखा था है ना आज तुम लोग क्या करोगे एक नई पॉलिटी लिखोगे और उसके लिए मैंने पूरा तुमको समय दिया है शाम के चार बजे तक का तो सेशन को एक बार इसे लाइक करिएगा ये आपका होमवर्क है जो आपको कॉमेंट बॉक्स में करना है और ये ध्यान देना कि थर्टी ऑफ दिसंबर को सुबह सात बजे से लेके नौ बजे तक दो घंटे का आपका क्लास होगा जिसके अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो पूरा करंट अफेयर्स है वो पूरा हम आपको पढ़ाने वाले हैं फाइन ये आपका जो ऑफर था वो खत्म हो चुका है लेकिन जिन भी बच्चों ने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए सिर्फ जीएस का या फाउंडेशन बैच तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ जीएस का बैच आपको ट्वेल्व में 10% डिस्काउंट के साथ में मिलेगा इसमें अभी एक ही क्लास हुआ है अगला क्लास मंडे को है जनवरी से इसमें रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे फाइन क्योंकि अभी मंथ एंड था तो इसलिए यहाँ पर क्लासेस जो है वो अल्टरनेट डेज पे रखें ताकि आप अपना प्लानिंग प्लानिंग भी कर लें और हाँ, रिजोल्यूशन मैंने बनाने को कहा था पूछूंगी मैं क्लास में आके शाम को 4 बजे ओके okay? चलिए तो यहाँ पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और यह है आपका फाउंडेशन बैच जहाँ पे आपको सारे एजुकेटर्स मिलेंगे ये है टेलीग्राम जहाँ पे क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है और बाकी बैचेस के क्लासेस के जो लिंक्स हैं वो भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं right, चलिए तो फिर मुलाकात करते हैं आपसे शाम को चार बजे टिल दिन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए कीप बाय एंड Take care.